ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद अब शिवांगी जोशी जिस तरह से अपने शो बालिका वधु 2 में बड़ी आनंदी बनकर लोगों के दिलों पर छा गई है, उसे देख टीवी इंडस्ट्री से लेकर देश भर में उनके नाम के डंके घर घर बज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवांगी के आनंदी अवतार में आने के बाद जो नए रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए हैं, उसे देख भारत से लेकर दूसरे देशों तक उनके नाम के डंके और गाजे बाजे घर घर बज रहे हैं, क्योंकि शिवांगी को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी खूब लोकप्रियता मिल रही है। वो कैसे, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवाल से रूबरू कराने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि बालिका वधू का पहला सीजन कितना हिट रहा था, वहीं अब बालिका वधू 2 उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। लेकिन जब से शिवांगी जोशी शो का अहम हिस्सा बनी है, तब से शो की पूरी काया पलट हो गई है, क्योंकि शिवांगी जोशी का डंका एक बार फिर से हर जगह जो बज रहा है। जी हाँ, एक बार फिर से शिवांगी ने साबित कर दिया है कि वो कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, क्योंकि उन्होंने आनंदी के रूप में अपनी पहली झलक से लोगों को ऐसा इम्प्रेस किया है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक में शिवांगी के ही चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ, टीवी पर कमबैक करते ही शिवांगी ने ऐसे रिकॉर्ड बना दिया है जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी नहीं बना पाई। उनके अंदाज और परफॉर्मेंस ने लोगों के दिल को छू लिया है, इसलिए तो अपनी पहली ही झलक के बाद शिवांगी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी है। शिवांगी रिटर्न एज आनंदी नाम ट्रेंड करने लगा है। आपको बता दें, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक शिवांगी का नाम है। जी हाँ, किसी एक्ट्रेस को लेकर ऐसा तगड़ा बज पहली बार देखा गया है, जिसकी वापसी से देश विदेश तक में चर्चाएं होने लगी हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मौजूद है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से मिले ऐसे प्यार को देख शिवांगी भी अपनी खुशी को बयान करने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्हें जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ही अपने इंस्टा स्टोरी पर अपनी तस्वीर को शेयर कर फैंस के साथ इस प्यार को शेयर कर डाला और हार्ट इमोजी बनाकर अपना प्यार भी लुटाया था। आपको बता दें, बालिका वधू की टीआरपी में कुछ खास कमाल नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब शिवांगी की एंट्री के बाद से जिस तरह शो ने यूटर्न लिया है, उसे देख ये बात तो पक्की है कि आने वाले दिनों में ये शो दूसरे शो पर भारी पड़ेगा। वेल दोस्तों, आपको शिवांगी जोशी का नए आनंदी का रोल कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।